क्या आप स्ट्रेस्ड और अनप्रोडक्टिव महसूस कर रहे हैं और घंटों स्पेंड कर देते हैं टास्क को कंप्लीट करने में जो ऑटोमेटेड हो सकते हैं? आप अकेले नहीं हैं, बट एक होप है, एआई ऑटोमेशन आपकी हेल्प कर सकता है, आपकी प्रोडक्टिविटी को 5 गुना बढ़ा सकता है, आपके इम्पोर्टेंट काम के लिए टाइम निकाल सकता है। इस वीडियो में हम एआई ऑटोमेशन के बेनिफिट्स पर बात करेंगे, टास्क को ऑटोमेट करने के लिए एआई का एग्जाम्पल देंगे, सही एआई ऑटोमेशन टूल्स को सिलेक्ट करने के वे बताएंगे और इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंस को डिस्कस करेंगे जिससे कि वर्क अच्छे से चल सके। तो आप तैयार हैं एआई ऑटोमेशन का यूज़ करके अपनी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए? तो बस बने रहिए इस वीडियो पर और देखते रहिए। हेलो माय ब्यूटीफुल फैमिली, और स्वागत है आपका अपने ही चैनल टेक मोडेना पर। यहाँ पर हम लेकर आते हैं लेटेस्ट टेक अपडेट्स एंड ट्यूटोरियल्स। अगर आप भी हमारे परिवार का हिस्सा बनना चाहते हो तो आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए जिससे कि आपको हमारी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए देखते हैं एआई ऑटोमेशन प्रोडक्टिविटी के बेनिफिट्स। प्रोडक्टिविटी के लिए एआई ऑटोमेशन के यूज़ करने के कई बेनिफिट्स हैं। ये हैं कुछ मेन बेनिफिट्स। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। एआई ऑटोमेशन रेपिटेटिव टास्क को ऑटोमेट करते हैं और आपका इम्पोर्टेंट और स्ट्रेटेजिक वर्क के लिए टाइम बचाते हैं। इससे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी। एआई ऑटोमेशन ह्यूमन एरर को एलिमिनेट करता है और वर्क में एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। रिड्यूस्ड कॉस्ट। एआई ऑटोमेशन मैनुअल लेवल की नीड को कम करके कॉस्ट को रिड्यूस करती है। यह हर साइज के बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। बेटर कस्टमर सर्विस। एआई ऑटोमेशन आपको बेटर कस्टमर सर्विस ऑफर करने में हेल्प करते हैं। कॉमन कस्टमर इंक्वायरीज को ऑटोमेट करके इससे कस्टमर सर्विस को टाइम मिलता है और आप मोर इम्पोर्टेंट इंक्वायरीज को सॉल्व कर सकते हो। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी। एआई ऑटोमेशन आपको आपके काम में मोर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। टास्क को ऑटोमेट करके जो खुद से करने पर हार्ड और टाइम कंज्यूमिंग हो सकते हैं। ये बिजनेस के लिए एक बड़ा बेनिफिट हो सकता है जो चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस को क्विकली अडाप्ट कर सकते हैं। टास्क जो ऑटोमेट हो सकते हैं एआई के साथ, यहाँ बहुत से काम हैं जो एआई के साथ ऑटोमेट हो सकते हैं। इनमें से कुछ ये हैं। शेड्यूलिंग मीटिंग। एआई का यूज़ करके शेड्यूल मीटिंग को ऑटोमेट कर सकते हो, आपकी और आपसे मिलने वाले की अवेलेबिलिटी को ध्यान में रखकर। ईमेलिंग। एआई का यूज़ करके ईमेल को कुछ रूल्स के हिसाब से ऑटोमेटिक सेंड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आप थैंक यू मैसेज को सेट कर सकते हो। डेटा एंट्री। एआई से स्प्रेडशीट और डेटाबेसेस में ऑटोमेटिकली डेटा एंटर कर सकते हैं। इससे आपका टाइम सेव होता है। कस्टमर सर्विस। एआई से कॉमन कस्टमर सर्विसेज या क्वारीज को ऑटोमेट कर सकते हो, जैसे कि प्रोडक्ट और सर्विसेज के क्वेश्चंस को आंसर देना। सोशल मीडिया मैनेजमेंट। एआई से आप सोशल मीडिया अकाउंट की पोस्ट को ऑटोमेट कर सकते हो, फॉलोअर्स के साथ इंगेज रह सकते हो और आपकी एनालिटिक्स को ट्रैक कर सकते हो। सही एआई ऑटोमेशन टूल्स को सिलेक्ट करने के टिप्स। मार्केट में कई एआई ऑटोमेशन टूल्स अवेलेबल हैं। जब आप एक एआई ऑटोमेशन टूल्स को चुनते हैं तो इन फैक्टर्स का विचार करें। आपकी नीड के हिसाब से कौन से टास्क को आप ऑटोमेट करना चाहते हो, कितना डेटा आप प्रोसेस करना चाहते हो, कितने यूजर्स टूल को यूज़ करना चाहते हो। टूल्स के फीचर्स। आपके टूल में वो फीचर हो जिससे आप ऑटोमेट करना चाहते हो। आपके बजट में होना चाहिए, इजी टू यूज़ होना चाहिए, सपोर्ट सर्विस ठीक होनी चाहिए। अब देखते हैं एआई ऑटोमेशन की इंटीग्रेशन इम्पोर्टेंस। आपके वर्क फ्लो में एआई ऑटोमेशन का होना इम्पोर्टेंट है। इसका मतलब है कि आपको इस टूल को प्रोडक्शन में यूज़ करने से पहले अच्छे से टेस्ट करना चाहिए और दूसरे सिस्टम के साथ चेक करना चाहिए कि आसानी से इंटीग्रेट हो सकता है या नहीं। आपको अपने एम्प्लॉयज़ को भी ट्रेन करना चाहिए ताकि वो एआई टूल्स के साथ कंफर्टेबल रहें। अगर आप यह करोगे तो प्रॉब्लम्स को अवॉइड करके बिजनेस को सक्सेसफुल बना सकते हो। आशा करती हूँ आपको कुछ आइडिया मिला होगा कि कैसे एआई ऑटोमेशन से प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।